आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है, फसल पैटर्न का विस्तार से वर्णन कीजिए। दोस्तों हम देखते हैं प्रश्न का उत्तर कि फसल पैटर्न किसे कहते हैं। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि अधिक उत्पादन व रोगों से बचाने के लिए रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों आदि का कि रासायनिक कीटनाशकों आदि का प्रयोग करने के कारण क्या हो गया दोस्तों, जो धरती है वो बंजर हो गई है। यानी कि दोस्तों जो धरती होती है, जो मिट्टी की उर्वरता क्षमता में कमी आई है रासायनिक उर्वरकों एवं रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग के कारण दोस्तों। इसलिए दोस्तों एक ऐसी कृषि की आवश्यकता हुई जिसे हम कहते हैं जिसमें प्राकृतिक संसाधनों को हानि पहुंचाए बिना, एक ऐसी कृषि पद्धति की आवश्यकता हुई जिसमें जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उन प्राकृतिक संसाधनों को बिना हानि पहुंचाए कि प्राकृतिक संसाधनों को बिना हानि पहुंचाए निरंतर की जा सके, कि बिना हानि पहुंचाए क्या किया जा सके, जो फसलों का उत्पादन है वो निरंतर किया जा सके, और इसी के प्रबंधन को क्या कहते हैं, फसल पैटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल पैटर्न कहते हैं। यानी कि दोस्तों अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों आदि का प्रयोग करने के कारण क्या है कि जो कृषि उपयुक्त भूमि है, जिसे जो कृषि उपयुक्त धरती है वो बंजर हो गई है। अब एक ऐसी कृषि पद्धति की आवश्यकता हुई जिसमें प्राकृतिक संसाधनों को बिना हानि पहुंचाए जो फसलों का उत्पादन है वह निरंतर बना रहे, उसे ही क्या कहते हैं, फसल पैटर्न कहते हैं। दोस्तों जो फसल पैटर्न होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं दोस्तों। जैसे मुख्यतः हम बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, मिश्रित कृषि तथा फसल चक्र, यानी कि फसल चक्र। दोस्तों हम बात करते हैं मिश्रित कृषि की। दोस्तों मिश्रित कृषि क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, फसलों का जो उत्पादन किया जाता है वो मिश्रित रूप में किया जाता है। दोस्तों अलग अलग प्रकार की फसलों को उगाया जाता है कि अलग अलग फसलों को क्या किया जाता है, एक साथ उगाया जाता है मिश्रित करके। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें फसल चक्र की, दोस्तों फसल चक्र में क्या होता है कि जो विभिन्न प्रकार की फसलों को बारी बारी बोया जाता है कि दोस्तों मिट्टी में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की निरंतरता बनी रहे, तो दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं, फसल चक्र कहते हैं। मुख्य दोस्तों ये दोनों प्रकार फसल पैटर्न के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि दोस्तों हमें प्रश्न दिया गया था कि फसल पैटर्न का विस्तार से वर्णन कीजिए, तो हमने देखा दोस्तों फसल पैटर्न किसे कहते हैं, फिर दोस्तों हमने देखा फसल पैटर्न के प्रकारों को, मिश्रित कृषि एवं फसल चक्र को। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।